हेलो क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जेरेंड. ओके, लेट्स सी व्हाट इज जेरेंड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जेरेंड वर्क्स एज नाउन इन योर सेंटेंस. ओके, एंड व्हाट इज नाउन यू ऑल नो वेरी वेल. नाउन क्या होता है? नाउन नाम होता है. ठीक है बेटा, और नाउन जो है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है, इतना आपको पता है. ओके, फिर हमने पढ़ा नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट में तीन काइंड्स पड़े. नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? जो सब नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, दोज आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड यू ऑल नो, आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया था कि ये क्या करते हैं, ये कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये असल में वर्ब का काम नहीं करते हैं. ये वर्ब इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये वर्ब से बने होते हैं. गॉट इट? वर्ब वाले वर्ड से बने होते हैं. सो फर्स्ट इज जिरण. जिरण हम आज ले रहे हैं. अब जिरण का काम देखिए आप. जिरण जो है वो नाउन की तरह ही काम करता है. ठीक है, जिरण का क्या नाम क्या काम होता है? नाउन की तरह. जिरण इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शन एज नाउन. ओके, ये नाउन की तरह इसका फंक्शन होता है. जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, आई इंजॉय सेलिंग. व्हाट आई इंजॉय? अब आप बताओ सेंटेंस में सेलिंग की जगह कौन सी है? तो आप कहोगे आई इन्जॉय. व्हाट आई इन्जॉय? सेलिंग. हम ऑब्जेक्ट ऐसे तो खोजते हैं, तो इसका मतलब सेलिंग की जगह क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, सेलिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक, अब ये नाउन कैसे हो गया? चलो ये भी देख लेते हैं कि ये नाउन कैसे हो गया आखिर. ठीक है, नाउन क्या होता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा कि वो क्वालिटी, कंडीशन या किसी सिचुएशन मतलब बताता है, किसी काम को बताता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आई इन्जॉय. व्हाट आई इन्जॉय? सेलिंग एक चीज़ होती है, एक काम का नाम होता है. ठीक है, एक काम का नाम होता है, एक चीज़ होती है जिसको हम इन्जॉय करते हैं. सेलिंग, सेल करते हैं पानी में, है ना, बोट पे बैठ के सेलिंग होती है, तो उसको कहते हैं सेलिंग. आई इन्जॉय. व्हाट आई इन्जॉय? जब भी आपको ऑब्जेक्ट खोजना होता है तो आप पूछते हो ना, वर्ब पे क्वेश्चन पूछते हो, वाटर, हुज और हुम से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है. तो जैसे ही आपने पूछा व्हाट आई इन्जॉय, यू गॉट द आंसर सेलिंग. इट मीन्स सेलिंग इज़ इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. सो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और मैंने आपको हमेशा बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन आएगा. ठीक है, तो आ गया ये नाउन, ये हो गया नाउन. अब ये कौन सा नाउन है? ठीक है, तो आप बताओगे कि ये जेरेंड वाला नाउन है क्योंकि इस ये वर्ब से बना हुआ है. क्यों ये जेरेंड है? क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ है. सेल एक वर्ब होता है और आईएनजी फॉर्म लगा के वो नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ये जेरेंड है. गॉट इट? सो जेरेंड नाउन होता है. सिंपल, बस अपने दिमाग में ये समझो, एक लाइन में अपने नोट्स में लिखो कि जेरेंड मीन्स नाउन. ठीक है, जेरेंड वर्क्स एज अ नाउन. इसका फंक्शन जो होता है, काम जो होता है, वो क्या होता है? इट वर्क्स एज अ नाउन. ठीक है, इन अ सेंटेंस, इधर एज अ सब्जेक्ट और एज अ और एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक, और फंक्शन देखते हैं इसके. अ जेरेंड ऑलवेज फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस. एज सच इट कैन बी सब्जेक्ट टू वर्ब. वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वही बात है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ये घुमा फिरा के वही बात है. अब सिंपल वर्ड्स में समझिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. अ कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब. ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी सब्जेक्ट में आपके क्या नहीं होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है. मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो. ठीक है, तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो उस सॉरी इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस में नहीं होता है तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है. गॉट इट? वर्ब के बाद जो भी कुछ आता है, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को हम पहचान लेते हैं वाटर हु से क्वेश्चन करके, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है. ओके, सो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है आपके सेंटेंस में तो जेरेंड जो भी काम करेगा वो क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा. गॉट इट? और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. अच्छा, एक चीज़ और आप जान लो कि प्रीपोजिशन के बाद में जो भी कुछ आएगा, ठीक है, नोट डाउन इन ए कॉपी, ये मतलब ये हमेशा के लिए कि प्रीपोजिशन के बाद में, प्रीपोजिशन अगर पहचानते हैं, आप पहचानते ही होंगे, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं उसके बाद हमेशा हमेशा नाउन आएगा. ठीक है, बीच में द आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, तो आर्टिकल भी नाउन के साथ ही आता है. गॉट इट? सो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा. गेटिंग माई पॉइंट? चलो अभी हम इसके सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं. स्कीइंग ब्रिंग्स मी प्लेजर. ठीक है, स्कीइंग मुझे क्या देता है? स्कीइंग यहाँ पे किस जगह पे है? सब्जेक्ट की जगह पे है. बिल्कुल इजीली आप पहचान सकते हो कि स्कीइंग किसकी जगह पे है? सब्जेक्ट की जगह पे है. और ये क्या हो गया?
जिरंड हो गया, ओके, क्योंकि इसमें आई एन जी लगा. आई लव, व्हाट आई लव, स्कीइंग, ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. माई पैशन इज स्कीइंग. अब देखो, माई पैशन, व्हाट इज माई पैशन, अब यहाँ पे क्योंकि इज आया है और इज एक लिंकिंग वर्ब है, ओके, तो लिंकिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे स्कीइंग क्या है, स्कीइंग यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, गॉट इट, क्योंकि इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, हमेशा फाइनाइट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है. गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट इज आई ड्रीम ऑफ स्कीइंग. अब देखो, ऑफ के मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है, तो स्कीइंग यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया. आई लव, व्हाट आई लव, स्कीइंग, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, गॉट इट. प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी आप देखो, आप समझ जाओ कि वो नाउन है, ठीक है, नाउन है तो नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो कौन सा ये ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद में आया है, ओके. कंपैरिजन बिटवीन इन्फिनिटिव एंड जेरंड. अब इन्फिनिटिव और जेरंड में फ़र्क क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है, तो आप इतना जान लो, इन्फिनिटिव और जेरंड में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है, कुछ होता ही नहीं है, बस वो देखने में अलग लगते हैं दोनों, बट वो सेम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे आप बोलो टू विन इज़ एवरीथिंग, चाहे आप बोलो विनिंग इज़ एवरीथिंग, देर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक. और इन्फिनेटिव पे सारे वही काम करते हैं जो जिरंड करता है, ठीक है, इजीली इन्फिनेटिव जिरंड को रिप्लेस कर सकता है. गेटिंग माई पॉइंट. टू विन इज़ एवरीथिंग, विनिंग इज़ एवरीथिंग, कोई डिफरेंस है, जितना ही सब कुछ है, चाहे वो टू विन आप बोलिए, टू विन बोलेंगे आप तो भी नाउन है, वो इन्फिनेटिव है, विनिंग आप बोलोगे तो भी वो नाउन है, ठीक है, और क्या हो गया, जिरंड हो गया, गॉट इट. आई लव, व्हाट आई लव, टू विन, आई लव विनिंग, दोनों में कोई डिफरेंस है, नो डिफरेंस. मुझे पसंद है, क्या पसंद है, विन करना, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, विनिंग, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये हो गया आपका जिरंड. लेट सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ जिरंड. Examples of gerund sentences, okay. The gerund is a verb that acts like a noun in a sentence. बता दिया मैंने, ये तो इतनी बार रिपीट किया है, आप भी रिपीट करो, सो दैट इट इट जस्ट कीप्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में ये रह जाना चाहिए, ठीक है, कि gerund जो होता है वो क्या होता है, वो noun होता है, और noun का ही वो काम करेगा, जहाँ जहाँ noun आता है वहाँ वहाँ gerund आ सकता है. noun कहाँ आ सकता है, सब्जेक्ट में आ सकता है. noun कहाँ आ सकता है, ऑब्जेक्ट में आ सकता है. noun क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है. noun क्या होता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ठीक है. सो द सब्जेक्ट इन विच द नेम्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस इज़ यूज्ड इन केस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह या फिर सब्जेक्ट की तरह. द gerund इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द ing tag to a verb root. ये इसका जैसे होता है ना, किसी की पहचान, ये देखने में ऐसा लगता है इंसानों में, आप कहते हो ना, हाँ ये इसकी हाइट बड़ी है, ये ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, तो आप जिरंड को बस ऐसे, क्योंकि इसमें आईएनजी, जो मैंने बताया ना कि आईएनजी, जिरंड कैसा दिखता है उसमें आईएनजी होता है, इन्फिनेटिव कैसा दिखता है उसमें वर्ब के पहले टू होता है, ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो गई. चलिए देखते, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्स. नाउ यू आंसर इन योर ओन माइंड, अपने आप दिमाग में आप आंसर देते रहो, हम पूछ रहे हैं सर, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जिरंड क्या होना चाहिए, इसमें नाउन क्या है, बताओ. स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट. अब चाहे हम नाउन बोलें, जिरंड बोलें, सब्जेक्ट बोलें, सब सेम है, ठीक है. सब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग है, और स्विमिंग क्या है, स्विमिंग का दूसरा नाम बताओ यहाँ पे इस सेंटेंस में, तो वो क्या हो गया, जिरंड हो गया. क्यों हो गया जिरंड, क्योंकि स्विम एक वर्ब है और उसमें आई एन जी लगा हुआ है, तो स्विमिंग हो गया, ठीक है. और क्या, सब्जेक्ट हो गया, ये जिरंड हो गया, और क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही क्या हो गया, तो ये नाउन हो गया, ठीक है. जब हम पढ़ते हैं एक वर्ड को, हम पढ़ते हैं ना, तो पहले हम पूछते हैं, बताओ इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और ये वाला टेस्ट मैंने आप लोग का लिया भी है पहले, ठीक है, एंड यू रिस्पॉन्ड वेरी वेल. तो जब हम पूछते हैं कि बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, तो आप कहते हो मैम ये नाउन है, ठीक है. फिर हम बोलते हैं बेटा ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या है, तो आप बोलते हो मैम ये सब्जेक्ट है, ठीक है. अब हम बोल रहे हैं कि ये दिखता कैसा है, इसको उसके लुक के हिसाब से बताओ ये चीज़ क्या है, तो आप क्या कहोगे मैम ये जिरंड है. नॉन फाइनाइट में ये क्या है, जिरंड है, ठीक है. अब जिरंड कोई भी नहीं हो सकता, सब में आप आईएनजी नहीं, आईएनजी आप किस में लगा के उसको नाउन बना सकते हो, केवल वर्ब को, ठीक है. तो जब वर्ब वाला कोई वर्ब अपने आप को नाउन बना के पहुंच जाए, तो आप समझ जाओ वो क्या है, वो जिरंड है, ओके. सेकेंड इज, तो स्विमिंग इज अ सब्जेक्ट हेयर एंड इट इज़ अ जिरंड सब्जेक्ट, ओके. Having to get up early won't bother me at
ऑल. ओके, वॉट इज वॉट वॉन्ट बोदर मी एट ऑल, क्या चीज़ मुझे बोदर नहीं करेगी? हैविंग टू गेट अप अर्ली, जल्दी उठना. ठीक है, हैविंग टू गेट अप अर्ली. तो यहाँ पे हैविंग क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे आया, देयर बी नो प्रॉब्लम. ओके, थर्ड, गेटिंग अप अर्ली, सुबह उठना, सेम चीज़. तो गेटिंग भी क्या कहाँ पे आया, सब्जेक्ट की जगह पे आया. ओके, बीइंग मैरिड विथ विल नॉट मेक मी हैप्पी. बीइंग मैरिड मतलब मैरिड शादी करना, मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिलने वाली है. ओके, फ्यूचर में. तो बीइंग क्या हो गया, बी भी तो एक वर्ब होता है. ठीक है, बी में ing लगा के हम बीइंग बना देते हैं. बीइंग बी मीन्स होना होता है, ing लगा दिया तो ये भी होना वाला ही काम कर रहा है कि मैरिड होना मेरे लिए कोई ज़िंदगी में बहुत ऐसे खुशियाँ लेके नहीं आएगा. ओके, सो दिस इज़ बीइंग मैरिड. बी से बन गया बीइंग और सब्जेक्ट की जगह पे है, तो जाहिर से बात है ये क्या हो गया, आपका जेरंड हो गया. लुकिंग आफ्टर मैनी चिल्ड्रन कीप सुजान बिजी. लुकिंग क्या हो गया, लुकिंग देखना मतलब देखभाल करना. लुकिंग आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना होता है. ठीक है, आई कैंट स्टैंड टॉम स्पीकिंग जर्मन. आई कैंट स्टैंड टॉम स्पीकिंग जर्मन. यहाँ पे स्पीकिंग किसकी जगह पे आया, सॉरी, स्पीकिंग किसकी जगह पे आया, नो डाउट ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है. ओके, आफ्टर टेकिंग अ बाथ. अब यहाँ पे टेकिंग किसकी जगह पे आया, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट की जगह पे आया, आई फेल्ट फाइन. ओके, आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर्टिंग हर फीलिंग. वॉट आई वॉज अफ्रेड ऑफ के बाद में क्या आया है, हर्टिंग आया है. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और किसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, क्योंकि ऑफ के बाद आया. आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिले गोइंग ऑन हॉलीडे बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे क्या चीज़ है, टू डिले गोइंग. ठीक है, तो यहाँ पे टू डिले गोइंग, गोइंग के बारे में बता रहा है. डिले और डिले गोइंग ये साथ में आया है. ठीक है, एक फ्रेज है ये, और टू के बाद आया, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट है. गॉट इट. यू कैन गो टू सिनेमा व्हेन यू हैव फिनिश्ड डूइंग योर वर्क. व्हाट यू हैव फिनिश्ड डूइंग, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं वो तो बाद में आ रहा है. व्हाट यू हैव फिनिश्ड डूइंग, ठीक है, तो डूइंग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया. गॉट इट. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस तो आप बहुत आराम से पहचानते हो. ठीक, सो आई होप इट इज़ क्लियर. लेट्स सी सम मोर एक्सरसाइजेस. यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्ट की जगह देखो, वॉचिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, और सॉरी, राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट. वॉचिंग टी वी इज़ माई फेवरेट पास टाइम. वॉट इज़ माई फेवरेट टाइम पास टाइम, वॉचिंग. क्या वॉचिंग, टी वी वॉचिंग. ओके, राइटिंग इन इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट. क्या डिफ़िकल्ट होता है, राइटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखना डिफ़िकल्ट है, जिरंड है ये. ठीक है, कोई दिक्कत, सब्जेक्ट की जगह पे. एज एन ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, आई लाइक व्हाट आई लाइक राइटिंग. आई लव व्हाट आई लव गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट्स. ओके, गॉट इट. ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया क्योंकि वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट वैसे भी वर्ब के बाद ही आता है. ठीक है, किस वर्ब के बाद आता है, फाइनाइट वर्ब के बाद आता है, ये याद रखना, क्योंकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के डिफरेंस तो आप समझ गए हो. तो ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग. एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब ये देखो, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, ये कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा, जब नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, लिंकिंग वर्ब होगा. ठीक है, जैसे इज एम आर वॉज वर, ये सब है, तो वो जो उसके बाद में जो आएगा, ऐसे वर्ब के जो कि वर्ब लिंकिंग वर्ब हैं, उनके बाद में जो कुछ भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते. गॉट इट. सो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज़ के बाद में आया है, तो इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है. स्लीपिंग आया है इसके बाद, जाहिर से बात है ये क्या हो गया, जिरंड हो गया. ठीक, वन ऑफ हिज ड्यूटीज़ इज़, वॉट इज़ हिज ड्यूटीज़, इज़ गोइंग होमवर्क. अब आप इसको कन्फ्यूज नहीं करेंगे कि वॉट इज़ हिज ड्यूटी का आंसर जो आ रहा है वो डूइंग होमवर्क आ रहा है. क्यों कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इज़ है, इज़ एम आर वॉज वर, ये सब जब आ जाते हैं, या फिर जब हैज़ कोई अकेला सा वर्ब आ जाए. ठीक है, और वो फाइनाइट ना हो, फाइनाइट आप मेन वर्ब सारे फाइनाइट होते हैं, तो आप समझ जाओगे कि लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रहा है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी कुछ आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट. गॉट इट. एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, सबसे इजी होता है प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट ढूंढना, सबसे इजी है, क्योंकि वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, वो नाउन का काम करेगा और वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा. ठीक है, वी शैल बी इंटरेस्टेड इन हियरिंग. इन के बाद आया है हियरिंग, इनके बाद कोई ing फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, इट मीन्स ये क्या है, ये जिरंड है. गॉट इट. वुड यू लाइक टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस. टेकिंग ऑफ के बाद आया है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया. गेटिंग में पॉइंट आफ्टर सर्टन एक्सप्रेशन, और कुछ एक्सप्रेशन के बाद आता है, ये भी वही चीज़ है,
ऊपर वाला जो था ना, वैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट की तरह का, माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग, वन ऑफ हिज ड्यूटी इज डूइंग होमवर्क. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, ओके, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड आई विल गिव यू फुल सोल्यूशन. कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बस एक दो चीज़ अपने, बस एक दो लाइन आप नोट करो अपने कॉपी में कि पहला क्या होता है, वॉट इज जिरन, जिरन इज जिरन वर्क्स एज नाउन, ये नाउन की तरह काम करता है, या तो ये सब्जेक्ट की तरह आएगा या तो ये ऑब्जेक्ट की तरह आएगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी आप लिख लो स्लैश करके कि कॉम्प्लीमेंट की तरह भी आ सकता है, बट मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो आप कभी नहीं कन्फ्यूज़ होंगे. और ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी आता है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है. ओके, ये दो तीन पॉइंट बस दिमाग में रखना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, विल डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. ओके, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा. दैट्स ऑल अबाउट जेरंड.